नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पंजाब में पीएम मोदी की रैली में बड़ी चूक हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए पीएम मोदी की रैली को रद्द करना पड़ा और उनका काफिला वापस लौट गया। कहा जा रहा है कि फर्जी किसानों ने साजिश रचते हुए पीएम के रास्ते को जाम कर दिया था और पथराव की तैयारी कर ली थी। जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि पीएम मोदी का काफिला रास्ते में ही रुक गया, जिसके बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। गृह मंत्रालय ने तुरंत मामले पर एक्शन लिया और पंजाब सरकार को नाप दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। इस साजिश को आज पंजाब में अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन गनीमत ये रही कि यह वारदात होने से पहले जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं। दरअसल आज पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली में शामिल होने वाले थे, जिसके लिए वो फ्लाइट से भटिंडा पहुंचे। यहाँ पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने उनका स्वागत किया। यहाँ से वो बारिश के कारण सड़क मार्ग के जरिए फिरोजपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ शातिर अपराधी और देश विरोधी लोग उन्हें निशाना बनाने के लिए पहले से उनके रास्ते में खड़े हैं। जैसे ही पीएम का काफिला रास्ते में फ्लाईओवर पर पहुंचा, तो कुछ देश विरोधी लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। हैरानी तब हुई जब पंजाब सरकार की तरफ से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। रास्ते में ना कोई पुलिस वाला था, ना कोई बैरिकेड थे, ना ही चेक पोस्ट। जिस जगह से पीएम मोदी का काफिला गुजरता, वहां तो जल्लाद ट्रकों से रास्ता रोककर लाठी डंडे और पत्थर लेकर पूरी तैयारी में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रुका रहा और आखिर में रैली रद्द करनी पड़ी और पीएम का काफिला वापस लौट आया। जिससे अब साफ साफ ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कांग्रेस की साजिश है, क्योंकि सरकार पंजाब में कांग्रेस की है, यानी जानबूझकर ये शरारत की गई। पीएम को निशाना बनाने का प्लान पहले से तैयार था, इसलिए सुरक्षा बल तैनात नहीं किए गए। और तो और, सुरक्षा को लेकर एसपीजी को पंजाब सरकार ने झूठ बोला, तो वहीं दूसरी तरफ इस खबर से देश भर में हड़कंप फैल गया। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। बीजेपी इस मामले पर पंजाब सरकार को जमकर कोस रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि लापरवाही देखी। जब इस मामले को लेकर सीएम चन्नी को फोन किया गया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। वहीं अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अब देखना यह होगा कि आखिर पंजाब सरकार पीएम की सुरक्षा में चूक से बचने के लिए क्या नया बहाना बनाती है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस की साजिश है, तो कोई पीएम के खिलाफ पहले से प्लानिंग बता रहा है। लेकिन अब पंजाब सरकार पर शिकंजा कसते हुए गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। अब पंजाब सरकार को अपनी पूरी करतूत का सच बताना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।